नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी भारतीय लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इसी के साथ में देश में दोबारा से लॉकडाउन लगाने को लेकर बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। अब तक 4 राज्यों में कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन की घोषणा सरकार के द्वारा की जा चुकी है, क्योंकि जैसे ही देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए तो सरकार के द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया यानी कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन लोग बेपरवाह और लापरवाही के साथ नजर आए। इसी कारण से अब मजबूरन सरकारों के द्वारा दोबारा से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं आज की पूरी रिपोर्ट। देश में लॉकडाउन को लेकर छोटी से छोटी खबर सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में 12 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा सरकार के द्वारा की जा चुकी है। ये दो राज्य तो एक हो गए हैं और यहाँ पर आज दो राज्यों में और लॉकडाउन लगा दिया गया है तथा यह लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन बनाकर लगाया गया है। आप यहाँ पर देखें बड़ी खबर लाइव। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच असम के 7 जिलों में 7 जुलाई से पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ सहित मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, 6 जुलाई 2021 4:31 की ये न्यूज़ है। और यहाँ पर देखें देश में अभी भी कुछ जिले ऐसे जहाँ पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव के द्वारा ये बात बताई गई है। दोस्तों, आप सभी को लॉकडाउन की यह खबर बताना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आप भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि विशेषज्ञ पहले ही ये बात और चेतावनी बता चुके हैं और आपको तीसरी लहर जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इस कारण से हम सभी को अलर्ट पर रहना है। आप यहाँ पर देखें असम में तो लगी गया है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। तो इस प्रकार से देश के 4 राज्यों में दोबारा से लॉकडाउन लागू किया जा चुका है। अब दोस्तों, अगर अब भी आप बेपरवाह रहे और लापरवाही अगर आपने बल दी तो दोस्तों आपके राज्य में भी जल्द ही लॉकडाउन की घोषणा होने वाली है। लॉकडाउन से संबंधित हर पल की अपडेट पाने के लिए अभी ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें तथा आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।